आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी लखनऊ दौरे पर हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भूपेन्द्र चौधरी लखनऊ में हैं आज, और उनका स्वागत किया गया है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं और प्रदेश महामंत्री साथ में हमारे दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिजेश पाठक भी उसमें उनके सम्मान में वहां पर मौजूद रहे। अब इसमें सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विभांशु मनीष त्रिपाठी के पास। विभांशु, क्या अपडेट है आपके पास? विभांशु, आपको हमारी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार चौधरी जी कल लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मनीष कि जो रथ बनाई गई है, जो आधुनिक रथ है, उस पर जो सूबे के उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश जी, मनीष आपको बता दें कि सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उसे आधुनिक रथ पे तैयार है बैठे विराजमान है। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे भी इस रथ पे बैठे हुए हैं। वहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं कि भूपेंद्र चौधरी अपने समर्थकों का साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का ये पहला लखनऊ दौरा है, लखनऊ में आगमन है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार दफ्तर पे आए हुए हैं, पार्टी के दफ्तर पे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जो समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और उनके द्वारा भी आप देख सकते हैं कि हाथों में तिरंगा, हाथों में पार्टी का झंडा, और साथ ही साथ वो पार्टी के नारे लगा रहे हैं। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूपेंद्र चौधरी अब महज 10 मीटर बचे हैं अब वो पार्टी कार्यालय से, वो अब यहाँ से उतर कर, इस आधुनिक रथ से उतर कर और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक उसके बाद देश के पूर्व पहले डिप्टी प्रधानमंत्री सरदार पटेल और उसके ठीक बाद भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। अब उनका जो ये रथ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंच चुका है, और आप देख सकते हैं कि पार्टी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में जो इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा पार्टी के नाम ठीक ओके ओके तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पार्टी कार्यालय पर जो रथ है वो पहुंच चुका है, और पार्टी के बाहर हजारों की संख्या में पदाधिकारी साथ ही साथ कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, और उनके जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए यहां अगर देखें तो पार्टी के झंडे लेकर और हाथ में तख्तियां लेकर यहां मौजूद हैं। अब आपको बताएं कि यहां से जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उतर कर सबसे पहले विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, और यहाँ आसपास जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा है उस पर पुष्प अर्पित करेंगे। आप तस्वीरों में ठीक सामने देख सकते हैं कि नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जो रथ है, आधुनिक रथ है, और वो निकल रहा है, और आप अब यहाँ पे रथ महज कुछ दूरी पे रुकेगा, उसके ठीक बाद आगे के कार्यक्रम होंगे। वहीं आप मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो अब आपको दिखाएं कि पार्टी कार्यालय के बाहर कहीं ना कहीं देखें तो उत्सुकता बहुत ही देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि अगर देखें तो एक लंबे अरसे के बाद जो 3.5 साल का समय होता है उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ है। आप तस्वीरों में अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि अब धीरे धीरे जो अभी उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी उतरे हैं उनके ठीक पीछे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी उनके साथ में हैं, उनके ठीक पीछे सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा साथ में दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं। वहीं हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासन और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का
यहाँ इतनी लंबे तादाद में यहाँ मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलते हुए नजर आ रही है। लगभग प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे रास्ते बना रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भारी संख्या में जो भीड़ आई है उससे कार्यकर्ता जो है अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अभी कि कितने कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। अब वो लोग भवन जा रहे हैं जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे, उसके ठीक बाद वो बाहर आएंगे। और अगर बात करें तो सबसे पहले वो लोग भवन पहुंचे हैं जहां भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करेंगे, उसके ठीक बाद बाहर आएंगे और वो पहुंच चुके हैं। अब आपको बताएं कि यहां से निकलकर अब वो जीपीओ जाएंगे जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करेंगे, उसके ठीक बाद वही मौजूद देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करेंगे, उसके ठीक बाद देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करेंगे, उसके ठीक बाद वो कार्यालय आएंगे और कार्यालय आने के बाद वहाँ कार्यकर्ताओं से वो रूबरू करेंगे। साथ ही साथ इस अवसर पर अगर देखें तो संगठन और साथ ही साथ जो पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं ये विधानसभा है और विधानसभा के ठीक सामने लोक भवन है जहां सूबे के जो सत्ताधारी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली मरतबा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहुंचे हुए हैं। अब यहां से वो निकलकर और ठीक विधानसभा के सामने मंच से भी बनाया गया है जहाँ पार्टी की तरफ से उन्हें शुभकामना के तौर पर यहाँ देने के लिए कुछ शब्द रखने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए यह मंच बनाया गया है। मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि आप जो कार्यकर्ता है उनका जोश देख सकते हैं कि यहाँ नगाड़े बजाए जा रहे हैं, नगाड़े के साथ साथ जो डीजे भी लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं देखें तो कार्यकर्ताओं का जोश है कि आज भारतीय जनता पार्टी और इनका एक मेहनत है कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के सबसे अपने शिखर पे बैठी हुई है। और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि अच्छा आज आप कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहद बड़ा दिन है, नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका प्रथम आगमन है, कितनी उत्सुकता है? अरे बहुत ढेर सारा, यूपी जिंदाबाद हमारे शैलेन भाई। अगर वही बात की जाए तो आप बुजुर्ग हैं, आपने कई भारतीय जनता पार्टी से के कई अध्यक्ष देखे होंगे, क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारे अध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी बहुत ही शालीन हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पंचायती राज मंत्री सरकार में थे, इनकी शालीनता के लिए ही इनको अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किया गया है। हम लोगों में इतना ज़्यादा जोश है कि कुछ पूछिए नहीं, संगठन को आगे ले जाने की क्षमता है इनके अंदर, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनने की क्षमता रखते हैं। जब माना जा रहा है कि किसान आंदोलन हुआ तो पश्चिम से ही आते हैं, उसके बाद जब चुनाव हुए तो बहुत बेहतर परिणाम आए भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसमें इनको श्रेय दिया गया, उसका गिफ्ट कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? माना ये जा रहा था कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा लगाई जा रही थी कि सीटें कम निकलेंगी, मगर भूपेंद्र सिंह चौधरी और तमाम वहां के नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया और कहा ये जा रहा है कि उसके विकल्प में इन्हें एक उपहार दिया गया, इसको लेके क्या कहेंगे? यही कारण है, इनके शालीनता के लिए ही उपहार दिया गया, उपहार समझिए या कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए समझिए या किसान को संभालने के लिए, किसानों को पश्चिमी क्षेत्र के जो किसानों ने आंदोलन किया था उनको अपनी बताने के लिए कि हमने सही योजना लागू की थी, गलत योजना नहीं लागू की थी, यही सब चीज़ें देखने के लिए पश्चिम में भाजपा का परचम लहराए और ज़्यादा यही सब देख के इनको निर्वाचित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं वो उत्सुक हैं कि उनकी आशा अपेक्षाएं हैं कि जो नए नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कि आगामी चुनाव चाहे बात की जाए साल के अंत में निकाय चुनाव, चाहे बात की जाए 2024 का विधानसभा चुनाव। यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े वाले भी आए हैं जो पूरी तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनमें आप पीछे में कैंपस दिखाएं कि लोग नाच भी गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाच
आ चुके हैं, साथ ही यहाँ स्वागतम के बोर्ड भी रखे गए हैं। हमारे साथ ऐसे कई नेता भी हैं, उनसे बात करने की प्रयास हम करेंगे। मगर अभी अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी मनीष विवांशु, हाँ साफ देखा जा सकता है कि वहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं भी उसमें शामिल हैं और बड़े उत्साह के साथ इस समय जो है माहौल वहाँ का देखा जा सकता है। आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे ढोल नगाड़े वाले मौजूद हैं और ढोल नगाड़ा बराबर बज रहा है, लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं वहाँ पर। आस पास के कार्यकर्ताओं से आप और भी बात कीजिए कि क्या वो सोचते हैं कि 2024 को लेकर क्या मंथन होने वाला है। विधानसभा के सामने, प्रदेश कार्यालय के सामने इस समय कार्यकर्ताओं का हजूम इकट्ठा है अपने नए प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए, उनका उनकी एक झलक पाने के लिए। उनका जोश दिख रहा है, कार्यकर्ता अपने हाथों में जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं उसको लहरा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जश्न का दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जी बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीर में कि मंच सजा हुआ है और कार्यकर्ता बल्कि बिछा के बैठे हुए हैं कि उनके जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आए और उन्हें संबोधित करें, अपने विचारों से उन्हें आगे की जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में उसमें बेहतर परिणाम आ सके। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रथ यात्रा पे अभी अगर बात करें तो सूबे की जो लखनऊ की मेयर है संयुक्ता भाटिया वो बैठी हुई है, साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी मौजूद हैं और वहीं आपको बताएं कि यहां से रथ यात्रा जीपीओ जाएगी और जीपीओ के अंदर में इस कार्यक्रम का समापन भी कह सकते हैं, वहां से सीधे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां से पार्टी कार्यालय जाएंगे। इसी क्रम में हम यहां देख सकते हैं कि कई बुजुर्ग नेता भी हैं और उनसे भी हम बात करने का संवाद साधने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताएं, आज आप सब बहुत उत्सुक हैं और एक बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, आपके नए उत्तर प्रदेश के जो कमान दी गई है भूपेंद्र सिंह चौधरी को लेकर, इसको लेकर कितने उत्सुकता आप में? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष बने हैं, हर बार सरकार बनने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है और आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी को और अधिक ताकत मिलेगी। जी बिल्कुल, आप सबसे पहले अपने नाम देखते ही बनता है, प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय बीजेपी कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा है पूरा, ढोल नगाड़ों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान में सब झूम रहे हैं। आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि उनकी अगुवाई के लिए खुद डिप्टी सीएम विजय पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद रहे, साथ में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह भी वहां पर रहा जिन्होंने उनको अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। इससे पहले हमारे संवाददाता विभांशु प्रदेश कार्यालय पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करी। पल पल की अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं अपने प्राइम टीवी चैनल पर। आप देख सकते हैं पीछे मैं देख सकता हूं कि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह वहां पे इकट्ठा है अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए, उनका संबोधन को सुनने के लिए। जैसे अभी लोक भवन वो गए अटल बिहारी वाजपेयी, शायद विभांशु को हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी इस समय मौजूद है प्रदेश कार्यालय के सामने और वहां से सीधे आप लाइव देख सकते हैं प्राइम टीवी पर। एक्स
जी जी मनीष बिल्कुल मैं आपको सुन पा रहा हूँ। माहौल है, मैं चाहता हूँ कि आप विस्तृत वर्णन करिए उसका। जी मनीष आपको बता दें कि इस वक्त अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अब विधानसभा पहुंच गए हैं। अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो विधानसभा की तस्वीरों को दिखाएं और यहां स्थित जो चौधरी चरण सिंह की जी की प्रतिमा है जो कि किसान नेता के तौर पर एक अलग। देखिए इस वक्त अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी अब विधानसभा पहुंच गए हैं। अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा कि वो विधानसभा की तस्वीरों को दिखाएं और यहां स्थित जो चौधरी चरण सिंह की जी की प्रतिमा है जो कि किसान नेता के तौर पर एक अलग पहचान देश में रखते थे, साथ ही साथ वो देश के प्रधानमंत्री का भी जिम्मा संभाल चुके हैं, उनकी प्रतिमा पर वो अब पुष्प अर्पित करके और जो अपनी कमान है उसको संभालने के लिए और कार्यकर्ताओं के समक्ष रूबरू होने के लिए अब भूपेंद्र सिंह चौधरी विधानसभा के अंदर हैं, वहाँ वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए मनीष जी तो यहाँ विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर ढंग से निभा रही है कि इतने लंबे भीड़ के बाद इतने ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ के बावजूद भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साथ ही साथ जो सूबे के मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं दोनों, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश सूबे के जल शक्ति मंत्री सुकंदेव सिंह, ये सभी व्यक्ति आराम से अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अब वो विधानसभा से निकल चुके हैं। अपने सहयोगी दीपक से मैं कहूँगा कि दिखाएं कि वो अब विधानसभा के अंदर से निकल चुके हैं, वहाँ चौधरी चरण सिंह की स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो देश के रक्षा मंत्री हैं साथ ही साथ लखनऊ में एक अलग पहचान रखने वाले नीरज सिंह भी इस विधानसभा में जब वो गए तो उनके साथ मौजूद थे। और वहीं अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि अब बाहर आ चुके हैं, अब यहां से अब मंच की तरफ रुख कर रहे हैं नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी और उनके साथ में अगर देखें तो सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। और वहीं एक तरफ अगर बात करें तो सूबे के दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। अब ये सभी गणमान्य मंच पर जाकर और अपने संबोधन माना जा रहा है कि देंगे। अभी जो मिली जानकारी उसके अनुसार अभी आप देख सकते हैं कि भीड़ का हुजम कितना यहाँ भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आप हाथ में इनके भारतीय जनता पार्टी के झंडा देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो लखनऊ पूर्वी से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा मंच का संबोधन कर रहे हैं और वो कार्यकर्ताओं का और नीरज सिंह के हाथ में जो है अगर देखें तो जो सूबे के देश के जो रक्षा मंत्री हैं उनके पुत्र नीरज सिंह अब नारे लगा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूँगा कि वो आपको हर एक तस्वीरों को दिखाएं और देखें तो यहाँ भारी अवधि है। अब उत्तर प्रदेश सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी यहाँ आ चुके हैं। उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को उनके सम्मान में और उनके स्वागत सम्मान में आए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के भी भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं। अब यहाँ से ये जो रथ है वो जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पे जाएगी और गांधी महात्मा गांधी के साथ साथ देश के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे और बात प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। अब यहाँ से जो रथ है वो निकल चुका है और मैं अपने सर्विस कहूँगा कि वो तस्वीरों को दिखाते रहें और आप देख सकते हैं मनीष की भारी संख्या में यहाँ भीड़ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अव्यवस्था देखने को मिल रही है, मगर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इस पूरे पल पल पे नजर बनाए हुए है और कुव्यवस्था न फैले इसके लिए भरसक प्रयास कर रहा है। वहीं अब विधानसभा के ठीक सामने से ये काफिला रथ यात्रा निकल रहा है और हम आगे चलकर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि उनकी उत्सुकता पे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप अपना नाम बताएं। जी अमीय नाम है मेरा। आपके नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का प्रथम आगमन है, इसको लेकर क्या कहेंगे, कितनी उत्सुकता है? काफ़ी अच्छा वो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्रम बदलती रहती है और नए सभी जगहों पर चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो
चाहे क्षेत्र अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, इन सभी का क्रम बदलता रहता है और हमेशा नए कोई अगर कार्यकर्ता नए तो नहीं रहते हैं, पार्टी के अपने पुराने कार्यकर्ता रहते हैं, लेकिन पद नया रहता है और उस पद के साथ नया ऊर्जा और कार्यकर्ताओं में भी नए जोश रहते हैं कि चलिए अब नया है और भी संगठन को और अच्छी तरीके से काम करेंगे। जी अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 8 सालों में अपने सबसे सत्ता के शिखर पे है, तो क्या आशा अपेक्षाएं हैं नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की? और बेहतर तरीके से अपने संगठन को और मजबूत कर करके 2024 के लिए माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भी बेहतर तरीके से संगठन को चलाएं, और हम लोग तो यही कहेंगे कि माननीय भूपेंद्र सिंह जी संगठन को, प्रदेश संगठन को और आगे ले जाएं और माननीय मोदी जी के 2024 के अपने केंद्र में सरकार बनाने के लिए इनका बढ़िया योगदान रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ा दिन है, तो इसके लिए आप सभी के अंदर उत्सुकता है, कहाँ से आए हैं आप? मैं कुशीनगर से आया हूँ। जी अच्छा, आप अपना नाम बताएं? जी बलराम यादव, भाजपा के जिला मंत्री हूँ कुशीनगर से। अच्छा, आप भी कुशीनगर से आए हैं, क्या कितनी उत्सुकता है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है, ठीक है, बहुत जोश खरोश है। कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं जो एकदम बूथ स्तर से लेकर के पूर्व में क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री रहे, आज ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का संगठन का कमान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है, इस नाते आज बहुत कार्यकर्ताओं में बहुत उत्सुकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस उत्तर प्रदेश सूबे के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि लखनऊ पूर्वी से, लखनऊ उत्तरी से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा भी पीछे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और संवाद साधने के प्रयास करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो विधायकगण हैं और अलग अलग जिलों से आए हुए लोगों के द्वारा यहाँ पे आकर अपने प्रदेश के जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ सभी तैयार हैं और काफ़ी उत्सुक हैं। इसी क्रम में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो रथ है वो अब आगे निकल चुका है और GPO स्थित जो है वहाँ प्रतिमाएँ हैं महापुरुषों की, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर और कुछ अर्पित करेंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी के अगर देखें तो 3 गेट हैं, इन तीनों गेटों पर कार्यकर्ताओं का हुक्म है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ढोल साथ ही साथ बैंड बाजा से स्वागत किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं उन्होंने पूर्व में भी एक इतिहास रचा था, 2014 और 2017 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से पार्टी सत्ता में आई थी। वो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं, पार्टी के सभी पदों पर रहे हैं और बहुत सरल हैं, मृदु हैं, और उनको पाकर सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, खुश हैं, और आने वाले समय में इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास रचने वाली है। 80 की 80 पार्लियामेंट हम जीतेंगे। हमारे साथ विधायक नीरज बोरा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है उसमें 80 से 80 सीटें हम जीतेंगे। जी मनीष, मैं चाहता हूं कि और भी आप कार्यकर्ताओं से कुछ बात करने की कोशिश करिए। मंच पे भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और नीरज सिंह भी शायद वहां पे मंच पे मौजूद हैं इस समय, जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहां से। इसमें कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित ढोल नगाड़ों के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष, नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय पे कार्यकर्ताओं का हुजूम आपको देखने को मिल रहा है, जहां पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के साथ नीरज सिंह भी मौजूद हैं और स्वतंत्र देव सिंह, वरिष्ठ नेता जो भी बीजेपी प्रदेश के हैं वहां पे मौजूद हैं। पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता भी वहां पे इस समारोह में, भव्य समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं अपने नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से मिलने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। आप सुन सकते हैं कि ढोल नगाड़ों की आवाज, ढोल नगाड़ों की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं,
जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, पूरा लखनऊ भगवा मैं हो चुका है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का लखनऊ आगमन हुआ है, प्रदेश कार्यालय पे कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम मौजूद है। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर एक ऐतिहासिक भव्य दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, फिलहाल अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।